हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशीज होम कुकिंग। आज हम स्टीम्ड एग मसाला करी बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 अंडे, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ते को डाल के इसे हमको अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद मैंने ऐसे बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसमें हमें ये एग मिक्सचर डाल लेना है। के बाद इस तरह से हमें स्टीमर में जो बर्तन है उसे रखना है और इसे ढक कर हमको 15 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देना है। इसके बाद मैंने उनको निकाल कर इस तरह से काट कर क्यूब्स में रख लिया है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें मैं 1 चम्मच पेपरकॉर्न्स, 3 इलायची, 10 लौंग, 1 जावित्री, 1 स्टार फूल और थोड़ा सा दगड़ फूल डाल के इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो जाने के बाद इसमें अभी हम एक पूरा अदरक और लहसुन डालेंगे। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा 1/4 कोकोनट को काट लेना है, ड्राई कोकोनट को, और उसे भी रोस्ट करना है। अब इसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, स्लाइस कर लिया है, और उसको भी अभी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसके बबाद हमें 3 चम्मच धनिया की सीड्स, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच तिल डालकर उसे भी अच्छे से भून के ये सारे मसालों के साथ हमें धनिया पत्तियों का मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद एक पैन में मैंने 3 चम्मच तेल डाला है, उसमें मैं अभी 2 बे लीफ और 1 दालचीनी डालूंगी। इसके बाद हमें 1 बड़ा प्याज, स्लाइस्ड प्याज डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से पक जाए उसके बबाद इसमें हमें 4 चम्मच जो गरम मसाला का पेस्ट हमने रेडी किया था, गरम मसाला का पेस्ट हमको अब इसमें डालना है। मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से हमें पकने देना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा गरम मसाला का जो पेस्ट है वो अच्छे से पक चुका है। अब इसे हमें दूसरे मसाले डालने हैं। अब इसमें मुझे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि नमक हमने पहले भी एग मिक्सचर में डाला था, इसलिए अभी उस हिसाब से ही हमें टेस्ट के लिए नमक डालना है। इसे भी अच्छे से चला के पका ले। उसके बाद हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल ले ताकि मसाला जले ना, और इसे भी हमें मिलाकर अभी थोड़ी देर के लिए पकने देना है। अब जो हमारे मसाले हैं सारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो एग को हमने क्यूब्स में कट करके रखा था उसको हमें डाल के मसालों में अच्छे से मिक्स करके इसी तरह इसे हमें 5 मिनट के लिए पकने देना है। अब 5 मिनट के बाद इसमें हमें 1/2 ग्लास पानी डालना है और इसे भी अच्छे से मिला ले और 5 मिनट तक पकने दे। फ्रेंड्स, अब जो हमारी मसाला करी की सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें हम धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। कीप वॉचिंग एंड लाइक माई चैनल।